राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में बड़ा दांव खेला है। शनिवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कई घोषणाएं की। सबसे बड़ी घोषणा तो प्रदेश में 19 नए जिले बनाने और 3 नए संभाग मुख्यालय बनाने की रही। इस घोषणा के बाद अब प्रदेश में 50 जिले हो गए हैं। शासन भौगोलिक दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। जिला अपेक्षा से छोटा होने से प्रशासन व प्रबंधन व कानून व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज व सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं वहाँ पर जिलों की संख्या दुगनी तिगनी हो गई है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमने छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने भी नए 7 नए जिलों की घोषणा की है। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों में नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया था जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से नंबर 2 मदन प्रजापत के वो बोले मित्र बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ, चप्पल नहीं बनाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक पक्ष के थोड़ी है, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीजवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर, जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर, जोधपुर पश्चिम जोधपुर, केकड़ी अजमेर, अजमेर केकड़ी।